बॉलीवुड में एक टाइम था जब कॉमेडी इक्विवेलेंट टू गोविंदा का नाम होता था, बस गोविंदा के नाम से फिल्में चलती थी और गोविंदा ही कॉमेडी किंग कहलाता था। तो अब गोविंदा की फिल्में तो नहीं, 2022 चल रहा है, पर गोविंदा के नाम की एक फिल्म आ गई है, गोविंदा नाम मेरा, ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। हेलो हेलो हेलो, मैं आशीष एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं गोविंदा नाम मेरा का। तो जब मूवी का ट्रेलर देखा था तो मेरी इतनी ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं, और तुम लोगों को पता है जब मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता भाई फिल्मों में से। तो इसमें भी कुछ अच्छी चीज निकल के आ गई है, बट एक चीज के बारे में मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसमें ऐसी कॉमेडी मिल जाएगी जिसमें तुम पेट पकड़ पकड़ के हंसोगे और रोओगे और फैल जाओगे फ्लोर पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो फिल्म को कॉमेडी बोल के बेचा जा रहा था, पर फिल्म कॉमेडी की जगह एक सस्पेंस थ्रिलर निकली। फिल्म में मर्डर होता है जो कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है उस मर्डर में भी, वो तुम्हें फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगा। तो गोविंदा नाम मेरा डायरेक्ट करी है शशांक खेतान ने, जिन्होंने हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और धड़क जैसी फिल्में बनाई हैं। तो यार देखो, डायरेक्टर अच्छा है, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया अच्छी मूवी थी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया भी अच्छी थी, धड़क भी काफी लोगों को अच्छी लगी थी, काफी को नहीं लगी थी। ये मूवी भी शशांक खेतान ने बनाई है, और बाकी डायरेक्टर की तरह भाई इस बार बंदे को एक्टिंग करने का भी कीड़ा चढ़ा कि मैं कैमियो दूंगा अपनी फिल्म में। तो इस फिल्म में उनका भी एक कैमियो है भाई, टकला हो गया बंदा फिल्म के लिए, टकला हो गया, एक बिल्डर का रोल प्ले कर रहा है। तो वो रोल ठीक ठाक प्ले कर दिया है, मतलब इतना कुछ खास था नहीं, बट जिस तरीके से किया है अच्छा प्ले कर दिया है। फिल्म देखने के बाद सबसे पहले मुझे ये लगा कि पहले भाई एक घंटे तक तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहा था कि मुझे हंसी क्यों नहीं आ रही है, मुझे हंसी क्यों नहीं आ रही है, कॉमेडी फिल्म है, मुझे हंसी आनी चाहिए, क्यों नहीं आ पा रही है। बट एक घंटे के बाद जब ट्विस्ट आने चालू हुए फिल्म में, तो मुझे पता लगा कि हंसी नहीं आएगी पर दिमाग चलाना पड़ेगा इस फिल्म में, क्योंकि ये काफी सस्पेंस और ट्विस्ट वाली फिल्म है। वहां पे फिल्म बहुत अच्छा कर जाती है और तुम्हें काफी मजा आएगा फिल्म देख के। अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो मेन लीड रोल प्ले किया है विक्की कौशल ने, जो कि बने हैं गोविंदा वाघमारे। और पूरी फिल्म में वो बंदा अपने नाम को जस्टिफाई करता रह जाता है कि एक टाइपोग्राफिकल एरर होने की वजह से उसका नाम गोविंद ए वाघमारे हो जाता है। तो वो पूरी फिल्म में कहता रहता है मेरा नाम गोविंदा है ना कि गोविंद ए वाघमारे। वो थोड़ा बहुत हंसी आती है उस चीज पे भी। तो कॉमेडी फिल्म में पूरी बिट्स एंड पार्ट्स में है। गोविंदा वाघमारे एक स्ट्रगलिंग कोरियोग्राफर है फिल्म में, और उसकी लाइफ में एक उसकी बीवी है जो उसका खून चूसती रहती है, एक उसकी माँ है जिसको लकवा हो रखा है, और एक उसकी गर्लफ्रेंड है जो उसका अलग से खून चूसती है कि उसे शादी करनी है। पहली बीवी से डाइवोर्स नहीं ले पा रहा है, दूसरी से शादी नहीं कर पा रहा है, पैसों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। बस यही स्टोरी है इस पूरी मूवी गोविंदा नाम मेरा की। उसके बाद कुछ ऐसे ट्विस्ट आ जाते हैं गोविंदा की लाइफ में कि जहां से उसके पास पैसा भी आ जाता है और बहुत सारी मुसीबतें, वो कैसे इनसे बाहर निकलता है, इसके लिए तुम्हें मूवी देखना बहुत जरूरी है। बाकी की कास्ट की बात करूं तो मेन लीड तो जैसे कि विक्की कौशल ने प्ले किया है, फीमेल लीड में भूमि पेडनेकर जो विक्की कौशल की वाइफ बनी है, और दूसरी है कियारा आडवाणी जो विक्की कौशल की गर्लफ्रेंड बनी है। भूमि पेडनेकर के कंपेयर में उनको ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस मिली है कियारा आडवाणी को, और कियारा ने अपना रोल काफी अच्छे से प्ले किया है भाई। एक सीन भी आता है जिसमें एक्टिंग तुमको दिखेगी कि बंदी काफी अच्छी एक्टिंग कर रही है। गोविंदा का रोल भी ऐसा है कि छपरी एक्टिंग चल रही है वहां पे, मुंबई वाला छपरी वाला फ्लेवर आ रखा है विक्की कौशल की एक्टिंग में, और वही सेम भूमि पेडनेकर की एक्टिंग में भी है। कियारा आडवाणी भी अपने अलग से एक टपोरी हो रही है, तो ये पूरा मुंबई बेस्ड फ्लेवर आ रहा है पूरी मूवी में। इसमें दया भी है, सीआईडी वाले दया, दयानंद शेट्टी, वो भी इसमें पुलिस वाले का रोल प्ले किया बंदे ने, और वो काफी अच्छा प्ले किया है। एक विराज गहलानी है जो अपना इन्फ्लुएंसर है, उसको भी सही रोल दे दिया गया है बाय चांस। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको सिर्फ इसलिए लिया गया कि भाई ये जो आजकल सोशल मीडिया की ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट करने के लिए बंदा रख लिया मूवी में, बट नहीं, ऐसा नहीं है, उसको रोल अच्छा मिला है तो काम उसने भी अच्छा किया। तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? तो ओटीटी पे है, तुम्हें घर बैठे देखनी है तो देख लो, क्योंकि अच्छी मूवी है। बस ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें कॉमेडी मिलेगी, कॉमेडी के अलावा तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री ट्विस्ट सब कुछ है, स्टोरी बहुत बढ़िया मूवी की। तो एट द एंड तुम्हारा टाइम पास बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम वेस्ट कर दिया 2 घंटे इस मूवी पे। तो ये था मेरा रिव्यू गोविंदा नाम मेरा का। तुम्हें मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं देखी है तो अभी जाके देख लो और दोबारा आके कमेंट कर देना कि तुम्हें कैसी लगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कर देना। मैं तुमसे मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय।